अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ लीवर्स टू सेक्टर ग्रोथ मॉडल। बेसिकली वी हैव स्टार्टेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ थ्योरीज एंड वी हैव स्टडीड थ्री ग्रोथ थ्योरीज इन द प्रीवियस लेक्चर। First was Roscoe's stages of economic growth, and second was Herodoma growth model, and the most recent that we have studied was Lieber's two sector theory of economic growth. Basically, ये structural change theory थी, और structural change ये है कि जब हमारी labor force जो है वो agriculture sector से, जिसे हम traditional sector consider करते हैं, उससे मूव करती है टूवर्ड्स द मॉडर्न सेक्टर। अनदर स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टुडेज लेक्चर दैट इज चेंजेस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी जो है हमने दो तरह की स्टडी करनी थी, एक हम कर चुके हैं जो कि लीवर्स टू सेक्टर मॉडल था, दूसरी आज हम करने जा रहे हैं चेंजेस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। और ऑब्वियसली ये भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे ही बेस करती है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन, मतलब अगर आप कहें कि जो जिस इरा में ये थ्योरीज प्रेजेंट की गई उस इरा में जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और उसका जो मेजर डिटर्मिनेंट था वो था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। मेजर उसका डिटरमिनेंट जो था वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था, कि स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी में बहुत जरूरी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और स्ट्रक्चरल चेंज क्या है? मूवमेंट ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। या आप ये कह लें कि GDP में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए, जबकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर का जो GDP में शेयर है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। और ऑब्वियसली ये जो रिसेंट थ्योरी जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं हम चेंजेस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ये भी बेसिकली जो है वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से जो हमारी लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है और वहाँ पर वो अब्जॉर्व होती है, और फिर कौन से डिटर्मिनेंट है जिन पर फोकस करके हम जो है वो डिवेलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। Like the earlier view, earlier Lieber's model, the pattern of development analysis of structural change focuses on the sequential process through which the economic, industrial, and institutional structure of an underdeveloped economy is transformed over time to permit new industries to replace traditional agriculture as the engine of economic growth. Pattern of development theorists view increased saving and investment as necessary but not sufficient for economic development. In addition to capital accumulation, transformation of production, changes in composition of demand, and changes in socio-economic factors, urbanization and the growth and the distribution of country's population all are important. पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी के मुताबिक सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हो जाना जो है वो काफ़ी नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इजाफा जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन है एज डिस्क्राइब्ड बाय द हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल। ये नेसेसरी कंडीशन तो है कि इन्वेस्टमेंट में और सेविंग में इजाफा हो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन ये आप कह लें कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। उसके अलावा अदर वेरिएबल्स भी रिक्वायर होते हैं, जिनमें सबसे पहले तो यही है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ डिमांड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन से मुराद है कि आपका जो प्रोडक्शन का ट्रेंड है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, जिस तरह मैंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो GDP में शेयर है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए, जबकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का जो GDP में शेयर है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाए। इस बात का ये हरगिज मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाए।
दोबारा बोल रहा हूँ, इस बात का ये हरगिज मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दे हम, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर कम होना शुरू हो जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में शेयर बढ़ना शुरू हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है अराउंड 220 मिलियन, हमारी लेबर फोर्स है अराउंड 67 मिलियन के करीब। हमारी लेबर फोर्स का 44.5% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। कितना बनता है 44.5 लेबर फोर्स का? लेबर फोर्स है 67 मिलियन, उसका 44. कितना बनता है? 30 मिलियन बन गया तकरीबन। हमारी 30 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। 30 मिलियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, एंड टू द एक्सटेंट ऑफ माई नॉलेज दे आर नॉट सफिशेंटली प्रोवाइडेड फूड टू द 220 मिलियन पॉपुलेशन। बड़ी मुश्किल से जो है वो 220 मिलियन पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कर रही है ये 30 मिलियन लेबर फोर्स। ऐसी है या नहीं? देखे ना, हमें साल के एंड पर जो है वो वीट भी इंपोर्ट करना पड़ जाती है और कभी चावल भी इंपोर्ट करना पड़ जाते हैं, पहले हम सेल कर लेते हैं। शायद आप ये कह लें कि हम बमुश्किल सेल्फ सफिशिएंट है, कुछ प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अगर ये जो कैश क्रॉप्स देखा जाए जिनमें वीट है और राइस है, कॉटन है, तो इनमें बमुश्किल हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे। सो अब इसके मुकाबला में यूएसए को देखें, अराउंड 350 मिलियन पॉपुलेशन है, 400 मिलियन के नज़दीक, 350 से 400 मिलियन के नज़दीक पॉपुलेशन है, और उनकी लेबर फोर्स जो है वो तकरीबन 33% उसका लेबर फोर्स है, वो बन गया आपका तकरीबन 130, वो बन गया आपका तकरीबन 130 मिलियन, 125 मिलियन। अब 125 मिलियन लेबर फोर्स में से 1% सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, मींस ओनली 1.25% लेबर फोर्स इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ओनली 1.25% लेबर फोर्स इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कंट्रीब्यूटिंग ओनली 1% टू द टोटल जीडीपी ऑफ यूएसए। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम है, दे आर प्रोवाइडिंग वेल सफिशेंट फूड टू 400 मिलियन पॉपुलेशन, एंड वट अबाउट वीट? मिलियंस ऑफ टन वीट दे आर डिस्ट्रॉइंग ईच ईयर। इतनी प्रोडक्शन है कि वो हर साल जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, इतनी ओवर प्रोडक्शन है। तो ये जो प्रोडक्शन का ट्रेंड चेंज करने का मतलब है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाए जी, और अगर आप इस तरह कहेंगे तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, और इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विस सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कम होना शुरू हो जाए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन कम नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की भी। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होना शुरू हो जाए, जबकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ डिमांड, लोगों की डिमांड का ट्रेंड चेंज हो टूवर्ड्स लग्जरी आइटम, मतलब जो भी डेवलप कंट्रीज का ट्रेंड है वो। चेंजेस इन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज है, ये सारी चीज़ें। अर्बनाइजेशन है इसमें इम्पोर्टेंट, अर्बनाइजेशन है, लाइक रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, एंड द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, जो कंट्रीज की पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक रूरल एरियाज में कितने हैं, अर्बन एरियाज में कितने हैं। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स। हम सिर्फ जो है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट पर रिलाई नहीं कर सकते, फॉर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ये तमाम वेरिएबल जो है इन पर फोकस करना पड़ता है।
Empirical structural change analysts emphasize both domestic and international constraints on development. The domestic constraints are country's resource endowment, its physical and population size, as well as institutional constraint such as government policies and objectives. Structural change model changes pattern of development ke mutabik andruni kuch constraint bhi hain aur baruni bhi hain, domestic constraint bhi hain aur jo hai wo aap keh le international constraints bhi hai, which are hurdle in the way of economic development. और ऑब्वियसली जो वेरिएबल कंस्ट्रेंट होते हैं, अगर हम इन्हीं को इम्प्रूव करें तो ये हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे. द डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स आर कंट्रीज रिसोर्स एंडोमेंट, इट्स फिजिकल रिसोर्स एंडोमेंट, मतलब आपके कंट्री में कौन सा रिसोर्स जो है वो ज़्यादा मकदार में है, लेबर है, कैपिटल है, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. इट्स फिजिकल एंड पॉपुलेशन साइज एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव आर वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the domestic constraints. International constraints on development include access to external capital, technology, and international trade. जबकि international constraints में आता है access to external capital, कि हमें जो है वो external capital जो है वो कितना provide है. अब ये कैपिटल जो है वो फिजिकल कैपिटल भी हो सकता है, और जो है आप कह लें इन द फॉर्म ऑफ जिस तरह फॉरेन करेंसी वैल्यूज है, वो भी फॉरेन करेंसीज भी हो सकती हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कि टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज में कितनी जल्दी मूव होती है या नहीं होती है. एंड इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल. इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियसली ऐसा वेरिएबल है कि वो आपको जो है वो अंडर डेवलप्ड कंडीशन में भी रख सकता है, और अगर आपको चाहे तो वो डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जा सकता है. जैसे नंबर ऑफ कंट्रीज हैं हमारे पास जिन्होंने अब इंटरनेशनल ट्रेड पे वर्क करके जो है उसको इम्प्रूव करके जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में शामिल हुए हैं. आप चाइना को देखें, मलेशिया, कोरिया, ताइवान को देखें. डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट अमंग द कंट्रीज आर एस्क्राइब टू दीज कंस्ट्रेंट्स. तो इन कंस्ट्रेंट्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम इस अंडर डेवलप्ड कंडीशन में हैं. Hollis Chenery and his colleagues examined patterns of development during the post-war period for developing countries at different per capita income levels. The empirical studies identified several characteristic features of economic development process. First one is shift from agriculture to industrial production. ये कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो प्रोफेसर चैनरी ने हाईलाइट किए हैं टू एग्जामिन द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट वन इज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ऑब्वियसली दिस इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. सेकंड वन इज स्टेडी एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल. आपके पास फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल जो है उसका कितना एक्युमुलेशन है. ह्यूमन कैपिटल ऑब्वियसली it is related to brain, it is related to education, it is related to research and development, it is related to number of universities in the country. Third one is change in consumer demand. Consumer ki demand change honi chahiye. Hamari demand kya hai? Basic necessities of life, food items. Aap majority ki demand dekhe, hamari food items wahi fulfill ho jaye to bahut hai. Zyada se zyada chale jayenge health, education hai. उसके आगे तो डेवलपिंग कंट्रीज में सोचना ही मुश्किल है. इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. डिक्लाइन इन फैमिली साइज, अनदर इम्पोर्टेंट वेरिएबल. डेवलप्ड कंट्रीज को कंपेयर करें तो वहाँ पे 3 फैमिली साइज है और तीनों के तीनों जो है वो अर्निंग कर रहे होते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में 6 to 7 फैमिली साइज है और जो है वो अर्निंग करने वाला एक है. सो डिक्लाइन इन फैमिली साइज. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम हाई बर्थ रेट, शिफ्टिंग फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई
हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट टूवर्ड्स लो बर्थ रेट एंड लो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. दिस इज नेम्ड एज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. दोबारा बोलता हूँ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? शिफ्टिंग फ्रॉम हाई बर्थ रेट, समझ आ गया होगा हाई बर्थ रेट, एंड हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे जो है वो पैदा होते ही जो जिनकी डेथ हो जाती है उसको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, आउट ऑफ थाउजेंड जो है वो कैलकुलेट होता है ये. शिफ्टिंग फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट टूवर्ड्स लो बर्थ रेट एंड लो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, दिस इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. सो दीज वेरिएबल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज प्रेस्क्राइब बाई प्रोफेसर चैनरी एंड हिज कोलीग्स. Chandri and colleagues observed among countries in time series and cross-sectional analysis. उन्होंने इसको empirically जो है वो calculate किया और find out किया इन variables को. The structural changes that we have described are the average patterns of development. The major findings of structural change model is that development is an specialized process of economic growth and change whose main features are similar in all countries. मोस्टली जो फीचर्स हैं ये जो डेवलपमेंट के ऑलमोस्ट सेम होते हैं तमाम कंट्रीज़ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ की करेक्टरिस्टिक सेम है उसी तरह इनके फीचर्स जो हैं वो सेम. कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड अ कंट्रीज रिसोर्स एंडोमेंट एंड साइज, इट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, technology, the international trade environment. So these are all important variables which help to sustain the previously discussed indicators for economic development. Empirical studies on the process of structural change lead to the conclusion that the pace and pattern of development can vary according to both domestic and international factors, many of which lie beyond the control of an individual developing nation. To summarize, structural change analysts believe that the correct mix of economic policies will generate beneficial pattern of self-sustaining growth. ठीक है, जो policies हैं उनका correct mix जो है, correct mix का मतलब है कि जो हर countries की requirement different होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर तो ज़रूर होती हैं लेकिन हर कंट्री के इनकम के लिहाज से रिक्वायरमेंट, इनकम फैक्टर एंडोमेंट्स के लिहाज से रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं. तो करेक्ट मिक्स ऑफ बेटर पॉलिसीज जो है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो बेनिफिशियल ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं. सो दीज आर द व्यूज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज प्रेजेंटेड बाई प्रोफेसर चैनरी, नेम्ड एज द चैनरीज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क. So that we can start the next series. जी स्टूडेंट, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है जी, पूछे बेटा. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे जी. शोर पूछे बेटा. सर हमने अभी पोस्ट वार पीरियड की बात की सर. ऑल्दो पोस्ट वार पीरियड को अगर देखें तो ये फिलीपींस का जो ऐसा स्टार्टिंग पीरियड है. तो सर इस पीरियड को अगर देखें तो जब किसी भी कंट्री की सर अगर बात करें तो सर इनिशियली उसकी ट्रेड जीरो होती है. तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर कंसेप्ट अगर देखें तो हमारी कंट्री को आएगा. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही सही, दोबारा बताइएगा. सर हमने पोस्ट वार पीरियड की बात की, एग्जांपल ली अभी हमने जी पोस्ट वार पीरियड. हेलो जी, बिल्कुल सर. सर सेकेंडली हम जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की भी बात करते हैं जी. तो सर अगर हम पोस्ट वार पीरियड की बात करें और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को लें तो सर इनिशियली ये पीरियड तो सर ऑल्दो फिलीपींस से रेलेवेंट है. तो जब सर जब कभी कोई कंट्री जो है बढ़ती है तो सर उसकी इंटरनेशनल ट्रेड और मोर्टेलिटी रेट तो ऑल्दो सर जीरो होता है. तो सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इस पीरियड को लेना क्या सर आप सजेस्ट करते हैं कि ये ठीक है हमारे लिए? पोस्ट बेसिकली
ये पीरियड इसलिए बताया गया कि उस वक्त मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज जो है वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और बुरी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, पूरी दुनिया में फैल गई थी जंग, और मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज जो है वो आप समझ लें जीरो पे आ गई थी। उसके बाद भी अगेन उन्होंने फिर जो है वो एक तो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड हुआ, इंटरलिंकेजेस हो गए आपस में, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, पॉलिटिकल, अगेन बूम किया। इस बारे में मेरी जो राय है वो ये है, एक तो कि एक ना एक रिच कंट्री होता है, एक अमीर बंदा जो है वो गरीब हो जाए, लेकिन उसे गुर पता होते हैं दोबारा अमीर होने के। अगर आप जापान को देखो ना, तो वो अगले 10 सालों में उसने दोबारा वो जो है वो अपनी इनकम जो है वो डबल ट्रिपल ले गया था। बिल्कुल सर, और इंटरनेशनल ट्रेड, और उसका मेजर कंपोनेंट इंटरनेशनल ट्रेड था जी सर। अब पाकिस्तान में जो है इसके साथ ही जी सर, आप सिर्फ बात को कंप्लीट करते फिर मैं बात। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है कुछ, जिस तरह पाकिस्तान है, इनकी डिपेंडेंसी, ये करंट थ्योरी है जो अभी पढ़ेंगे, इनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा नहीं उठा सके अभी तक। एक एक जिस तरह एक फकीर नहीं होता, एक भीख मांगने वाला, उसको लत लग जाती है कि यार मैं एक दिन का 2000 कमा लेता हूँ, ठीक है, वो उसी काम में लगा रहता है वो खुद। हालांकि ये टोटल ट्रांसफर पेमेंट है, वो 2000 जो है वो GDP में शामिल ही नहीं है। अगर वो कुछ 5 रुपए का प्रोड्यूस कर लेता वो GDP में शामिल है। सेम वे में हमारे पास गाड़ियां हैं, सारा कुछ है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी पीछे लिखा था सेल्फ सस्टेन्ड डेवलपमेंट, वो है जो सेल्फ सस्टेन्ड हो, खुद जनरेट की हो। अगर नेबर हमारे साथ वाले घरों वाले अमीर हैं, उनके घरों में दरख्त लगे हुए हैं और कुछ फ्रूट्स हमारे घर भी शाखें आई हुई हैं, गिर जाते हैं, हम वो खा पी लेते हैं, इट डजंट मीन कि हम जो है वो सेल्फ सस्टेन्ड है, हमने खुद जो है वो प्रोड्यूस किया, हमने खाया, ऐसा नहीं है। अगर 2004-5 में जो है वो हम कह के पाकिस्तान में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई थी, गाड़ियां आ गई, ये वो आ गया सर, बिल्कुल आप जाना सर राइट कह रहे हैं, बट सर अगर हम देखें तो ये पीरियड एंड होता है 1970s के ऊपर, जब जापान जो है रीबूस्ट हुआ, तो सर वहां पर देखें वो तो इंटरनेशनली एक डेवलप पीरियड था एंड दे गॉट प्रोग्रेस। तो इन दिस सेंस सर अगर हम बात करें तो सर पाकिस्तान की भी हमने बात की कि बेगर सिस्टम है सर, ऑल दो आप जो है मुनासिब समझते कि 80-20 रूल तो फिर पूरे वर्ल्ड वाइड प्रिवेल किया कि जो रिच है वो रिच ही रहे, जो गरीब है वो गरीब ही रहे। दिस इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, दिस इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ऐसा ही है। कभी कभी आप किसी दुकान पे काम कर रहे हो, दुकान का ओनर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप नई दुकान बना लो। शॉप ओनर कभी भी नहीं चाहता कि आपका मुलाजम जो है वो अलहदा दुकान आपके बराबर पे बना ले, वो कभी भी नहीं चाहता। सेम वे है, दिस इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो कहते हैं कि अब WTO बना हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है फ्री ट्रेड होनी चाहिए, पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड होनी चाहिए। अब उस फ्री ट्रेड का फायदा किसको है, नुकसान किसको है? डेवलपिंग कंट्रीज को उसका बड़ा नुकसान है। आप कर लें फ्री ट्रेड, हम फ्री ट्रेड करते हैं, ये जो गाड़ी है ना विट्स 2.5 लाख की उतर रही है कराची एयरपोर्ट पे, 2.5 लाख की गाड़ी है आपकी, मेहरान जो इधर लोकल असम्बल हो रही है, सेल नहीं होगी। इवन आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जितनी भी है सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कर ले फ्री ट्रेड, तो फ्री ट्रेड फिर किसके बेनिफिट में हुआ? फ्री ट्रेड जो है वो डेवलप कंट्रीज के बेनिफिट में हुआ। इनके जितने भी डिसीजन आप उठा के देख लेंगे वो डेवलप कंट्रीज के बेनिफिट में जाएंगे। जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, इनके डिसीजन जो है वो डेवलप कंट्रीज के बेनिफिट में जाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के बेनिफिट में नहीं जाते। दिस इज पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके पीछे इनके पॉलिटिकल पर्पस है, इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक पर्पस कोई नहीं है इनका। कौन चाहता है कि आपके घर काम करने वाली बाई जो है वो अमीर हो जाए और फिर जो है वो आपके घर काम ही ना करे? जी राइट सर, ये सेम है,
जिस तरह जिस तरह इंडिविजुअल लेवल पे ना, ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे है। यही सोच है जब व्हाइट हाउस में पॉलिसीज बनती है ना, तो जब डोमेस्टिक पॉलिसीज बनती हैं तो वो देखते हैं कि व्हाट इज फेयर, वो फेयर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। और जब इंटरनेशनल पॉलिसी बनाते हैं वो, तो फिर वो कहते हैं व्हाट इज बेस्ट फॉर यूएसए। समझ रहे ना बात, व्हाट इज बेस्ट फॉर यूएसए। हर कोई अपने कंट्री के मुफाद में देखता है, तो हमें भी देखना चाहिए, बाकियों को भी देखना चाहिए। ऐसे ही हर कोई अपने घर में घर के बारे में देखता है। और जो जो और ये जो मैं कह रहा हूँ कि डिपेंडेंसी के किसी से ले, अब एक बैगर, बैगर से ही मैं एग्जांपल दोबारा देता हूँ, अगर एक बैगर है वो मांग रहा है 2,000-3,000 डेली कमा लेता है, अगर वो एक महीना लगा के 1,00,000 रुपये कमा ले, अब उस बाद में 1,00,000 रुपये से कारोबार कर ले, अब वो ये बेहतर है। ये नहीं है कि वो उसी पे लगा रहे बस, ये नहीं है कि वो उसी पे लगा रहे। अब सेम वे में ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ना करें, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें लेकिन बाद में उसे खुद भी प्रोड्यूस करें ना, उसको देखकर, एज डिड बाय इमर्जिंग इकोनॉमीज, एज डिड बाय चाइना, एज डिड बाय कोरिया, ताइवान। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो, लैपटॉप जो है वो यूएसए ने बनाए थे, यूएसए इसको प्रोड्यूस करने वाला है, एंड नाउ यूएसए इज इंपोर्टिंग लैपटॉप फ्रॉम कोरिया एंड ताइवान एंड चाइना। ठीक है, बाद में उन्होंने उसको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, इंपोर्ट करके देख के खुद बना लिए। तो अगर तो बस इंपोर्ट भी रहना है तो फिर तो पाकिस्तान की तरह देख ले, और अगर उसको देख के टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके फिर टेक्नोलॉजी खुद प्रोड्यूस करें तो आप कंपीट कर लेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज पॉलिसीज, एंड सिर्फ डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट नहीं है, डोमेस्टिक भी है साथ इंटरनेशनल भी है, दोनों चीजें, कुछ डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट है कुछ इंटरनेशनल है। क्लियर है बेटा पॉइंट? कोई और कोई है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं पॉइंट तो आप कर सकते हैं। जी आवाज आ रही है मेरी? जी स्टूडेंट कोई कंप्लीमेंट दे दे, आवाज आ रही है मुझे पता लग जाए जाग रहे हैं। यस सर, सर आ रही है आवाज, ठीक है, क्लियर सर। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट थ्योरी वो भी इसी डिबेट से रिलेटेड ही है, द इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन। ऑब्वियसली ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज है, जितनी भी ग्रोथ थ्योरीज हैं वो यही पॉइंट्स, यही वेरिएबल हाईलाइट कर रही हैं कि जिनकी वजह से जो है वो हम डेवलप्ड हो सकते हैं या हम अंडर डेवलप्ड कंडीशन में हैं। इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल रिजेक्ट द एक्सक्लूसिव एम्फेसाइज ऑन GNP ग्रोथ रेट एज द प्रिंसिपल इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, इंस्टेड दे प्लेस एम्फेसाइज ऑन इंटरनेशनल पावर बैलेंसेज एंड ऑन फंडामेंटल रिफॉर्म वर्ल्ड वाइड। ये जो इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल हैं, ये जो हमारा GNP ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट पे फोकस है उसको रिजेक्ट करते हैं। हालांकि ये मेजर कंपोनेंट है ऑब्वियसली GDP ग्रोथ रेट, लेकिन हर थ्योरी का अपना एक आप कह लें नज़रिया है, उसके मुताबिक वो अपना व्यू जो है वो दे रहे हैं। वो इस GNP पे जो फोकस है, एम्फेसाइज है, उसको रिजेक्ट करते हैं। इंस्टेड वो कहते हैं कि वो उनका फोकस जो है वो इंटरनेशनल पावर बैलेंसेस एंड फंडामेंटल रिफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उस पे है। IDR models view developing countries as best of institutional, political and economic rigidities in both domestic and international setup. International dependence revolution models argue that developing countries are catch up in dependence and dominance relationship with rich countries. कि जितने भी कहता है डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये एक सर्कल में फंसे हुए हैं, इनको कैच किया हुआ है, एक जाल में बंद किया हुआ है। वो क्या चीज, किस चीज का जाल है? वो डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस रिलेशनशिप का जाल है। डिपेंडेंस ऑब्वियसली, डिपेंडेंस क्या है?
द रिलायंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसीज टू स्टिमुलेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडेंस कैन ऑल्सो मीन दैट डिवेलपिंग कंट्रीज अडोप्ट डिवेल्प कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल सिस्टम एटीट्यूड कंजम्पशन पैटर्न इवन ड्रेस ये है डिपेंडेंस कि हमारा लिबास तक जो है वो उन पर डिपेंड है हमारी लैंग्वेज तक जो है वो उन पर डिपेंड है हम अपनी लैंग्वेज यूज नहीं करते ठीक है हम डेवलप कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं हम उनकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज छोड़कर उनकी लैंग्वेज के पीछे पड़े हुए हैं हम अपना ड्रेस छोड़कर उनके ड्रेस के पीछे पड़े हुए हैं दिस इज डिपेंडेंस रिलेशनशिप हम अपना एजुकेशन सिस्टम छोड़कर उनके एजुकेशन सिस्टम के पीछे पड़े हुए हैं हम अपना इकोनॉमिक सिस्टम छोड़कर उनके इकोनॉमिक सिस्टम के पीछे पड़े हुए हैं हमारे बजट में कितने टैक्स लगने हैं कितनी बिजली महंगी होनी है क्या कितना महंगा होना है इट इज डिसाइडेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज इट इज डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिस इज डिपेंडेंस रिलेशनशिप एंड डोमिनेंस द इंटरनेशनल अफेयर्स अ सिचुएशन इन विच डेवलप्ड कंट्रीज हैव मच ग्रेटर पावर देन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन डिसीजंस अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज सच एज द prices of agriculture commodities and raw materials in the world market aur dusra kya hai dominance relationship ke unhon developed countries ne developing countries ko dominate kiya hua hai kaise ke wo developing country se agriculture products jo hai wo purchase karte hain theek hai high price pe aur developing countries jo hai wo इसी पे खुश है कि हमारी बड़ी एक्सपोर्ट्स हो रही है सो इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो है वो तीन तरह के मॉडल हम स्टडी करने जा रहे हैं थ्री स्ट्रीम्स ऑफ थॉट दैट आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मेन थीम आपने समझ लिया कि इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन क्या है बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं they are catch up by the developed countries through dependence and dominance relationship is dependence and dominance relationship ke zariye jo hai wo catch up hua hai developing countries in the hands of developed countries so three streams of thought ke zariye hum isi point ko discuss karenge first a new colonial dependence second hai false paradigm model and third one hai dualistic development thesis यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क